हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग, लेकिन बड़े ही अलग स्टाइल में। जर्नी के लिए हम करेंगे हमारा प्रॉपर, जैसे जर्नी के कार्ड निकाले जाते हैं, लेकिन DM और DF का हम लोग एनर्जी चेकअप बड़े अलग तरीके से करने वाले हैं। हम लोग चक्रास के चेकअप करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो स्प्रेड रहने वाला है और मैं देखने वाली हूँ कि DM के कौन से चक्रास एक्टिव है और कौन से जो है नहीं चल रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन का क्या सीन है। लेकिन 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 उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट अपडेट। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम समय में बहुत ही ज़्यादा कुछ बता देते हो तो वो ट्रिगर होके भाग सकते हैं। यस गाइस, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, जो आपको अभी अभी स्लोली स्लोली जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोग ने उनको हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी या काफ़ी ज़्यादा बताया अपने बारे में, या तो उनको या कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो नहीं बतानी चाहिए थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में जो नहीं बतानी चाहिए थी, तो उनको ऐसा लग सकता है कि शी इज़ डेंजरस। यस गाइस, तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपसे बहुत बहुत दूर भगा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ये जानिए कि नया नया कनेक्शन में एज अ डिवाइन फेमिनिन में समझती हूँ आप लोगों को ऐसा लगा है कि कोई मिला है जो आपका सुन रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ है, कोई है आपके साथ। लेकिन अच्छा लगना भी एक लिमिट तक होना चाहिए। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इंटेंस हो गए और सब कुछ खोल खोल के तुरंत ही बताना चालू कर दिया, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो आपसे भागना, पूरी तरीके से दूर भागने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। ओके गाइस, तो ये जब आपको वीडियो मिलेगा तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लाइक मैं एक मेडिटेशन कैंप में रहूँगी, तो ये मेरा मेडिटेशन कैंप फर्स्ट तक चलेगा। तो फर्स्ट को जो है, फर्स्ट तक जो भी वीडियोस मिलेंगी आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेंगी गाइस। सेकंड को गाइस मैं जो है यहाँ पर लाइव Q&A, और ये सब डिपेंड करेगा कि मैं उस स्थिति में हूँ कि नहीं। मैं आप लोगों को अराउंड 4:00 कम्युनिटी पेज पर इन्फॉर्म कर दूंगी कि बाय 7:30 आई एम कमिंग लाइव, मैं आ रही हूँ लाइव 7:30 को, अगर मेरे से हो पाया तो, नहीं तो नेक्स्ट संडे तो पक्का ही पक्का है। पर इस संडे का मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को लाइव Q&A देने का, बट अगर नहीं हो पाया तो मेरे को थोड़ा सा टाइम एक और वीक दे देना। लेकिन मैं बहुत मैनेज करूंगी गाइस कि मैं आपको कम से कम 45 मिनट्स लाइव Q&A दे पाऊँ। फिर नेक्स्ट वीक हम करेंगे 1 1.5 आवर जैसा हमारा बनता है। चलिए गाइस, तो हम लोग आज की रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन का करूंगी। अब ये गाइस ऐसे नहीं होंगे कि मैं कार्ड निकालूंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, और ऐसा नहीं जाने वाला। ये रीडिंग थोड़ा सा अलग रहने वाला है, तो अगर आप ये रीडिंग टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, देखते हैं सबसे पहले कि डिवाइन मैस्कुलिन का ये एक स्प्रेड रहने वाला है गाइस। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन का रूट चक्रा कैसे है, ठीक है, क्या चल रहा है उनके रूट चक्रा में, उनकी करंट एनर्जीज में उनका रूट चक्रा कैसे चल रहा है। ओके, अब ये गाइस किसी के लिए रेजोनेट करेगा, सबके लिए रेजोनेट करेगा ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं रेजोनेट करता तो पीसफुल रहिए और कोई और वीडियो देख लीजिए आज जो आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस रूट चक्रा में डिवाइन मैस्कुलिन को काफ़ी ज़्यादा फियर्स चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा फियरफुल है कि वो अपने फैमिली के लिए कैसे प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है उनको, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो रही है उनको, जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिनके वजह से उनको बहुत ज़्यादा फियर्स है कि मुझे इतने सारे लोगों को प्रोवाइड करना है और मेरे पास शायद इतने पैसे ना हो। ठीक है गाइस, तो ये रूट चक्रा का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं गाइस सेक्रल चक्रा में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, ओपन है कि ब्लॉक है, वो भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो सेक्रल चक्रा में 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है।
तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को अंदर दबा के रख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट नहीं फील कर रहे हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो करियर का कुछ लॉस हुआ है या जॉब छोड़ना पड़ेगा या कुछ ऐसा तो ये हो सकता है। देखते हैं गाइज इनके सोलर प्लेक्सस में अभी क्या चल रहा है। एक ही कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक स्प्रेड कर रहे हैं आज। ओके, तो सोलर प्लेक्सस में मुझे ऐसा लगता है गाइज डिवाइन मैस्कुलिन को फियर्स है कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, पता नहीं, उनको वो स्टेबिलिटी नहीं है ना श्योरिटी है कि हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा फियर्स हो रहे हैं मतलब सेल्फ वर्थ के भी। उनको नहीं पता कि वो अपने लिए एक सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे या नहीं, ये सेल्फ एस्टीम पे अफेक्ट कर रहा है बिकॉज वो शायद फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो ये उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। चलिए गाइज देखते हैं हमारा हार्ट चक्रा कैसे चल रहा है हमारे डीएम का। तो गाइज हार्ट चक्रा में डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा देखने की कोशिश एनालिसिस कर रहे हैं अपने हार्ट में कि कौन उनके लिए सच्ची में प्यार करता है, कौन है जो जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, कौन है उनके अपने और कौन है पराए। तो ये वाली जो है एनालिसिस उनकी चल रही है। अगर ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड भी है, एम्परर है, मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, तो ये है इनकी बाउंड्री और ये अपने बाउंड्री के बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक ही है गाइज इनका फ्रीडम लेवल और ये फ्रीडम लेवल से बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको ये कि कौन है वो जो मेरा एक्चुअली में सुने। चलिए देखते हैं गाइज हार्ट के बाद थ्रोट चक्रा कैसे है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स का। थ्रोट चक्रा में स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स आ रहा है गाइज, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हमने बोला तो हम फंसेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हम पे आएगी ही आएगी। अब हम जो भी बोलेंगे गलत ही जाएगा, हमारे अगेंस्ट ही जाएगा, इसीलिए थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मुझे ब्लॉक लग रहा है। चलिए देखते हैं गाइस थर्ड आई कैसे चल रहा है आपके करंट एनर्जीज में, थर्ड आई कैसे है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का। अगेन गाइस अनदर रिवर्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इनको ट्रुथ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स जो रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस से आ रहे हैं उसके वजह से उनका माइंड क्लाउड हो चुका है और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। न्यू बिगिनिंग के बारे में वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मतलब मैं कह रही हूँ रूट और इसके फियर्स हैं तो वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, उनको ट्रुथ दिखाई नहीं दे रहा है। इन जस्ट वो ये भी एक साइन हो सकता है गाइस कि आपके डीएम के साथ ऐसा हो रहा हो कि आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो या आपकी आँखों के पेन करे, आपकी आँखों में इरिटेशन हो किसी तरीके का, बार बार कुछ ना कुछ चले जा रहा है, आपकी आँखों में पानी निकल रहा है बार बार। तो ये रीज़न यही है कि आपके पर्सन को जो है कुछ चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है, या अगर कुछ दिखाई दे रहा है वो उनको सच्चाई जो है नहीं समझ आ रही है, उनको हर्ट कर रहा है, या किसी चीज़ की सच्चाई अगर उनको दिख रही है उनको समझ नहीं आ रहा है, इल्यूजन से ब्लाइंडेड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कचरा विजन ब्लॉक कर रहा है गाइज, ये देख सकते हैं इन। और लास्ट देखते हैं गाइज आपके डिवाइन मैस्कुलिन का क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा में आपके डिवाइन मैस्कुलिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट बने बैठे हैं, काफी ज्यादा बातें मुझे ऐसा लग रहा है उनको बता रहा है कि उनको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा गाइड हो रहा है कि कोई ना कोई उन पर नेगेटिविटी डाल रहा है, कोई ना कोई उनके साथ गलत कर रहा है, ऐसे सब इल्यूजन्स में है वो, ऐसे अभी इल्यूजन ही बोलेंगे इसको अगर कोई पर्सन ऐसे ही बिना कोई रीज़न के अलर्ट हो रहा है, बिना कोई रीज़न के ड्रामास क्रिएट कर रहा है तो उसको ऐसे ही बोलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी ले रही हूँ मैं गाइस।
तो उनके कर्मास वापस आ गए हैं क्लेंजिंग के लिए। तो ये आपके पर्सन के कर्मास है जो उनको उस जिसके हिसाब से वो चक्रास में ऐसा फेस कर रहे हैं, तो ये इल्यूजन्स और ये सब कि उनके ऊपर कोई गलत कर रहा है या वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, इसी सर्कल में ऑफ कर्मा में आपके पर्सन फंसे हुए हैं। और लेट्स गो ऑन गाइज एंड लेट्स सी कि हमारे डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है, आपके चक्रास में क्या चल रहा है। रूट चक्रा से शुरुआत करेंगे डिवाइन फेमिनिन की। एक्शन, डिवाइन फेमिनिन की रूट चक्रा में फिर से आ गया है एक्शन का कार्ड। चलो चलो हम ही एक्शन ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना गाइज। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ही मैसेज कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम ही एक कोई स्टेप ले लेते हैं उनकी तरफ, हमको ये वी वॉन्ट टू गेट इट गोइंग, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखते हैं गाइस सेक्रल चक्रा में डिवाइन फेमिनिन की क्या चल रहा है। अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट, कहीं ना कहीं आप लोग उनसे बंधे हुए महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो इतना टाइम हो गया, अब इससे ज़्यादा तो वो मुझे भूल जाएगा, अब तो मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, अब तो मुझे कुछ ना कुछ कर ही देना चाहिए। चलिए गाइस देखते हैं सोलर प्लेक्सस कैसे चल रहा है डिवाइन फेमिनिन का। ओ गॉड, आपको लग रहा है कि आपको जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा, आप ऐसे ही आपको जीना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस कनेक्शन के लिए और अब आपको लग रहा है कि नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मत कीजिए ऐसा, हो जाएगा, आप लोगों को जस्टिस मिल जाएगा। वैसे भी 2022 ईयर ऑफ यूनियंस है, तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को यूनियन मिल जाएगा, तो हम उसके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। सोलर प्लेक्सस के बाद हार्ट चक्रा देखेंगे गाइस। हार्ट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा आप विश्वास करने लग गए हो फिर से रीडिंग्स को, आप काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो आपके पर्सन के लिए, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल से जो है मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को वापस इनटू योर लाइफ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट बोल रहा है कि इंट्यूशन मतलब कुछ तो करते हैं इस चीज़ को लेके, कोई तो एक्शन करते हैं, अब तो हमको ही लेना पड़ेगा एक्शन, मैनिफेस्ट ही कर ले इस पर्सन को, कुछ तो करे। चलिए गाइस देखते हैं कि थ्रोट चक्रा कैसा चल रहा है आप लोगों का। थ्रोट चक्रा में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लविंग और स्वीट कम्युनिकेशन, फ्रेंडली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो आप अपने डीएम से और लोगों से। आप अपना हार्ट अपने थ्रोट में आप अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्रेस करोगे, अब आप बोलोगे कि भाई नहीं मुझे एक्सप्रेस ही करना है, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद गाइस थर्ड आए देखते हैं आप डिवाइन फेमिनिन की थर्ड आए कैसे चल रही है। थर्ड आई आपको इंट्यूशन दे रही है, आपको नंबर्स, एंजल नंबर, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज सब दिखाई देंगे और आप अपना झोला उठा के बोलेंगे कि चलो हमें लाइट की तरफ जाना है, हमें इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, हमें अच्छा खासा ब्रेक मिल गया है। चलिए गाइस देखते हैं कि क्राउन चक्रा में आपके क्या चल रहा है। एक मिनट गाइस, क्राउन चक्रा में चल रहा है द टेम्पल पाथ, इस कार्ड को आई एम गाइडेड टू टेक, तो यही लेंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, डिवाइनली गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन की तरफ आपका रास्ता है। और अगर आप नहीं बढ़ रहे हो तो आपके लिए आंसर भी यही है कि आप टेंपल पाथ का रास्ता ले लीजिए और जाकर के जो है मंदिर वंदिर में हो आइए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को राइज कीजिए। ठीक है गाइज, अगर आपको एक्शन 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 करके आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब एक्शन लेंगे, नहीं तो मैं ले लूँ, जस्ट वेट गाइस, सरेंडर कर लो, किसी मंदिर हो आओ, किसी अच्छी पावरफुल जगह पे हो आओ, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई हाँ यहाँ पे गई तो मेरा कुछ पूरा हो जाएगा विश, तो शायद वो आपको जो है पॉजिटिविटी दे इंस्टेड ऑफ आप उनको जाकर कम्युनिकेट करो। तो चलिए गाइस आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।